हैं मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। मित्रों, आपको एडवांस में 2018 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये साल आपके लिए अच्छा रहे। आपने जो संकल्प लिए हैं, जो मन्नत मांगी है, जो चाहते हैं, वो आपका पूर्ण हो और आपकी राशि के अनुसार आपके सभी काम बने। आजकल हम आपको राशि फल की जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे राशि सिंह। सिंह राशि वालों के लिए 2018 कैसा रहेगा, ये बताना चाहेंगे आपको। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य 14 जनवरी तक ये धनु राशि में चलेंगे और 14 जनवरी के साथ मकर में चले जाएंगे। मकर संक्रांति से लेकर के मिथुन तक सूर्य उत्तरायण में रहेंगे। इस समय पर शुभ कार्य माने जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, शुभ काम करने चाहिए। लेकिन 14 जनवरी तक शनि सूर्य की युति ये पंचम भाव में रहेगी और साथ में शनि यहां कमजोर भी हैं, अस्त भी रहेंगे। वैवाहिक जीवन खराब होना, संतान का कष्ट होना, पढ़ाई में बाधा आना, ऐसा योग रहेगा। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे यहां। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये चेंज कर जाएंगे, ये केतु के साथ चले जाएंगे और आपका योग कारक प्लेनेट भाग्य और सुख साधन का स्वामी मंगल है, ये 18 जनवरी से चेंज हो जाए और 18 जनवरी को अपनी राशि में आ जाएंगे। यानी रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग बनेगा, भाग्योदय होगा, सुख साधन, भूमि जायदाद मकान के लिए काफी अच्छा है। 18 जनवरी के बाद ये योग बहुत सुंदर बनेगा। आपके रोग चोट का स्वामी, विवाह का स्वामी शनि पूरे साल ये पंचम भाव में ही भ्रमण करेंगे और आपका जो राहु है वो पूरे साल बारहवें भाव में भ्रमण करेगा और केतु छठे भाव में भ्रमण करेगा। बारहवें भाव में राहु का भ्रमण करना ये थोड़ा तकलीफदेह होता है, पुलिस केस, मुकदमा, रोग चोट, इनसे परेशानी रहेगी, आपको बचाव करने की आवश्यकता है। अगर हम जनवरी से फरवरी की बात करें तो यहां सूर्य का मूवमेंट रहेगा। यानी 14 जनवरी से मकर में जाएंगे, पूरा जनवरी और फरवरी 12-13 फरवरी तक मकर में रहेंगे और 12 फरवरी से लेकर के फिर 14 मार्च तक कुंभ में रहेंगे। कुंभ राशि में सूर्य का भ्रमण आपकी राशि से विवाह स्थान पर रहेगा। एक महीने के लिए वैवाहिक जीवन, लिव इन रिलेशन, लव में कहीं ना कहीं तनाव पैदा होगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यानी मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक मीन राशि में भ्रमण करेंगे, अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। राशि का स्वामी जब अष्टम भाव में जाता है तो बहुत अच्छा फल नहीं देता, मान सम्मान में थोड़ी कमी आ जाएगी अप्रैल में, सावधान रहने की आवश्यकता है। और 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक, यानी 15 मई तक कह सकते हैं, सूर्य उच्च का होगा। जो काम आपके बिगड़े हुए हैं वो बनेंगे, आपको काफी लाभ होगा, शोहरत होगी, पिता का स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, सरकारी काम बनेंगे, भाग्योदय होगा, एक बड़े रूलिंग पद पर बैठने का योग यहां पर बनेगा। माणिक ने कुछ समय पहन सकते हैं। 15 मई से लेकर के और 16 जून तक सूर्य अपने ही दिशा के अंदर साउथ दिशा में दिशा बल लेकर के वर्क करेंगे, यहां पर काम करेंगे, कारक स्थान भी रहेगा इनका, सरकारी नौकरी का योग बनेगा, थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी। यहां पर भी अगर माणिक आप पहनते हैं तो काम आपके जरूर बनेंगे। जून से लेकर के फिर जुलाई के बीच में मिथुन राशि में लाभ स्थान पर चलेंगे। अगर आप विदेशों में कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन जुलाई से 15 अगस्त यानी
16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक। इस बीच में सूर्य राहु के साथ रहेंगे बारह भाव में। ये वक्त आपकी मां के लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी दादी के लिए अच्छा नहीं होगा, दादा के लिए भी अच्छा नहीं होगा और स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खामाखा सरकारी उलझने आएंगी, सरकारी बाधाएं आएंगी, पुलिस केस मुकदमा उलझना, सरकार से कोई ना कोई इनकम टैक्स की रेट डलना, कोई हाउस टैक्स की प्रॉब्लम्स आना, सेल टैक्स जीएसटी की प्रॉब्लम्स आना, ये सब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना तो होना करना ही पड़ेगा। यहां पर माणिक पहनना होगा और राहु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक सूर्य अपने घर में रहेगा। ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस पीरियड के अंदर आपके मान सम्मान में वृद्धि रहेगी और डोमिनेटिंग नेचर आपकी बनी रहेगी, दुश्मन दबे रहेंगे। और 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक की स्थिति यहां पर रहेगी धन भाव पर, यहां भी अच्छा रहेगा, धन दौलत आएगी। और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य नीच का हो जाएगा और सूर्य आकर के बृहस्पति को कमजोर करे, उससे पहले बृहस्पति यहां पर चेंज कर जाएंगे। 11 अक्टूबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे और केंद्र में चले जाएंगे। केंद्र में जाने का बेनिफिट उनको बहुत जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा और फिर दिसंबर के महीने में लगातार वहीं पर चलते रहेंगे। यह था सिंह राशि का राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं अपने राशि के बारे में तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। आपकी कुंडली में कोई दोष है उसके लिए नग ले सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, पत्राचार कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 24 नोएडा व दिल्ली, 25 से 28 मुंबई में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9212960909, 8111415 6।